जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के बिना जजों को नहीं सुनाना चाहिए मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बड़ी बात। दोस्तों बात करेंगे इस पूरी खबर की विस्तार से, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों को किसी भी मामले पर तब तक सुनवाई नहीं करनी चाहिए जब तक कि उसे विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश द्वारा ना सौंपा जाए। जजों का अनुशासन का पालन करना होगा। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी राजस्थान हाईकोर्ट के मई के एक आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई के दौरान की। आपको बता दें, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपे बिना मामले की सुनवाई करना घोर अनुचित कार्य है। पीठ ने इस बात पर संज्ञान लिया है कि तीन व्यक्तियों ने पहले FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने 8 FIR को मिलाकर के एक करने के लिए दीवानी पक्ष से एक अलग रिट याचिका दाखिल की। तीनों के विरुद्ध 6 FIR दर्ज कराने वाले अपीलकर्ता अंबालाल परिहार ने शीर्ष अदालत में दावा किया कि दीवानी रिट याचिका दाखिल करने का नया तरीका अपनाया गया और ऐसा उस रोस्टर जज ने बचाने के लिए किया गया है। उन्होंने अंतरिम राहत प्रदान नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ये दूसरे से चौथे प्रतिवादी द्वारा फोरम हंटिंग पसंद के जज के समक्ष मामला ले जाने का तरीका का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कानूनी प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग का मामला है। पीठ ने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि आपराधिक रिट याचिकाओं के लिए अलग रोस्टर था। पीठ ने 16 अक्टूबर के आदेश में कहा, चूंकि दीवानी रिट याचिका दाखिल की गई थी, लिहाजा जज को उसे आपराधिक रिट याचिका में तब्दील कर देना चाहिए था ताकि उसे आपराधिक रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने वाले रोस्टर जज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हम राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्टर न्यायिक को निर्देश देते हैं कि वो दूसरे से चौथे प्रतिवादियों द्वारा FIR रद्द करने के लिए CRPC की धारा 482 के तहत दायर सभी 8 याचिकाओं में इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करें। जागरण की रिपोर्ट।